अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अफ़गानी फ्राई गोश्त की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब ये रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। 750 ग्राम हमने मटन लिया है, इसको शामिल कर देते हैं। लेकिन हमने चर्बी इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकाली। ये देखें, माशाल्लाह अच्छी तरह से वाश करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। एक टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करते हैं हल्दी के, गरम मसाला एक चौथाई चम्मच और काली मिर्च भी एक चौथाई चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। सिंपल से मसाले हैं, लेकिन आप इसको तैयार करेंगे तो आप फाइनल आप रिज़ल्ट देखें, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होने वाली है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और 2 से 2.5 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 टेबलस्पून हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल हम बिल्कुल कम इसमें डालेंगे क्योंकि चर्बी के अंदर ही हमने इसको पकाना है। अब इसमें गोश्त को शामिल कर देते हैं। जी प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ सकें। बीफ फ्राई गोश्त की आपने बहुत सारी रेसिपियाँ देखी होंगी, लेकिन इससे सिंपल और इससे आसान रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको कवर करके हमने 20 से 25 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उतार के हम चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। झटपट चंद मसालों के साथ बीफ फ्राई बोटी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अब मज़ीद थोड़ा सा हमने इसको पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका तेल भी निकलना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सा हमारा फ्राई गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको चेक करा देते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़े से टमाटर साइडों पे लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत मज़ेदार सा फ्राई गोश्त बोटी आपके सामने परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, देखने में बड़ा ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार, चंद मसालों के साथ परफेक्ट रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह देखें कितना सॉफ्ट और नरम सा हमारा